हेलो दोस्तों, आपने ऐसे शोज़ देखे होंगे जिनमें आपके हाथ में ताश का कौन सा पत्ता है या आप किस नंबर के बारे में सोच रहे हैं कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से बता देता है। इन्हें माइंड रीडर या मेंटलिस्ट कहा जाता है। वैसे अभी 31 जुलाई को डांस दीवाने शो में आशीष लक्ष्मण ने टच रीडिंग दिखाया था। एक डॉल, एक पुतला को उसने जहाँ जहाँ टच किया, नूरा फतेही को उस पार्ट पर टच का एहसास हुआ। स्वाभाविक है, बहुत लोग इन बातों पर विश्वास भी नहीं करते, लेकिन दोस्तों ये सच है। यदि सच है तो क्या इसे सीखा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, आप गूगल में माइंड रीडिंग कोर्स सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके वर्कशॉप अटेंड करके ऑनलाइन या वीडियो के थ्रू आप कोर्स कर सकते हैं। इससे क्या लाभ है? आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। क्या इसमें करियर है? हाँ, आप इवेंट कर सकते हैं, आप किसी प्रोग्राम में आपको शो के लिए बुलाया जाएगा। बड़े बिजनेसमैन या ऑर्गेनाइजेशन भी माइंड रीडर या मेंटलिस्ट को हायर करते हैं। साइकेट्रिस्ट भी बन सकते हैं या ये भी आपको हायर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों,